प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसको तीन भाग में बांट दिया है। तो पहले आज हम लोग अम्ल को समझेंगे, क्योंकि अम्ल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा अम्ल से रहते हैं। तो हम लोग पहले अम्ल समझेंगे, फिर क्षार और लवण देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले अम्ल को। क्या है अम्ल? एसिड। अम्ल, अम्ल का अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग अम्ल ही बोलते हैं। तो एसिड जो है इसको किसको कहते हैं? तो सिंपल बात है, एसिड क्या है? अगर देखिए, ये सिंपली अगर देखा जाए, जनरल भाषा में कहा जाए, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसे जल में घोला जाए तो घुल करके H प्लस आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। तो क्या होता है, ये जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या देगा, ये बहुत याद रखना है, जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, ठीक है, उसे अम्ल कहेंगे, ठीक है। अगर कहीं H प्लस आयन आंसर नहीं रहे चॉइस में, आपको कहता है कि अगर H प्लस नहीं रहे, एच थ्री वो प्लस रह सकता है, ऐसा रह सकता है, ये भी वही है, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। इसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोनियम, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। ये रहे तो हाइड्रोनियम आयन भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ओके। हाइड्रोनियम आयन या एच प्लस आयन देने वाला पदार्थ को हम लोग कहेंगे अम्ल। अब इसके बाद और भी च्वाइस है, इसको और भी हम लोग अम्ल को कैसे पहचानेंगे, तो हम आते हैं इसको देखें कि अम्ल का और क्या क्या विशेषता हो सकता है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें काम में आता है, लेकिन उन पदार्थों को अगर देखा जाए रासायनिक रूप से तो तीन भाग में ही बांटते हैं, चाहे तो कहेंगे उसको अम्ल, या तो फिर कहेंगे क्षार, या फिर उसको कहेंगे लवण। यानी अम्ल क्षार लवण में ही हमारे सारे पदार्थ बटे हुए होते हैं। हम जितना भी खाते हैं, जैसे हम लोग नींबू खाते हैं तो जानते हैं अम्ल है, ठीक है। हम लोग कभी कभी ऐसे पदार्थ खाते हैं जैसे कि गुड़ वगैरह हो गया, आपको जानते होंगे, जैसे आप कभी कभी खैनी तंबाकू में चूना डालते हैं, वो सब क्या है, क्षार है। और कुछ ऐसे पदार्थ है घर में खाना में नमक डालते हैं, वो क्या है, लवण है। तो इस तरह से हम लोग जितने भी पदार्थ खाते हैं तो चाहे तो वो अम्लीय होगा, चाहे तो वो क्षारीय होगा, चाहे तो वो लवण होगा, ठीक है। तो हम लोग स्वाद से भी जानते हैं, जो खट्टे टाइप का लगता है उसको कहते हैं अम्ल है, जो कड़वे टाइप का लगता है उसे हम लोग कहते हैं क्षार है, और जो नमकीन लगता है वो नमक है, यानी लवण है, ठीक है। तो ये सिंपली चीज़ है कि हम लोग पदार्थ को तीन भाग में बांटते हैं, उसमें हम लोग अम्ल की चर्चा करते हैं। तो अम्ल की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, तो इसको देखा जाए, अम्ल की पहचान कैसे करेंगे। पहले आते हैं अम्ल की पहचान। अम्ल की पहचान हम लोग करते हैं इंडिकेटर से, इंडिकेटर द्वारा, इसको कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं, या उसको इंडिकेटर, इंडिकेटर द्वारा, कुछ इंडिकेटर रहते हैं, इंडिकेटर द्वारा करते हैं। कौन कौन इंडिकेटर है? पहला था कि इसको चख के देखिए, तो चखेंगे सब तो सब, अम्ल बहुत ख़राब चीज़ होता है, क्योंकि कभी कभी आपको जला देता है। तो स्वाद अगर कुछ कमज़ोर अम्ल है तो उसको आप देख सकते हैं, तो स्वाद में ये खट्टा रहेगा, स्वाद में क्या रहेगा, खट्टा रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, और क्या देख सकते हैं आप टेस्ट में, इमली का देख सकते हैं खट्टा होता है, सिरका देख सकते हैं खट्टा होता है, ठीक है। ऐसे आप घर में टमाटर का देखते हैं वो भी खट्टा होता है, तो ऐसे कोई बहुत से पदार्थ आपको मिल जाएगा जो खट्टा है, वो अम्ल है, ठीक है। अब दूसरा होता होता है कि इसका इंडिकेटर दूसरा होता है, जैसे आप पीएच मान, ये इंडिकेटर है, पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होना चाहिए, 7 जो होता है वो उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं, तो पीएच मान इसका 7 से कम होता है। अब तीसरा एक आता है लिटमस पेपर, कागज़ का बना रहता है, इसको आप चेक करेंगे तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये इसको ये ऐसा है नीला से लाल हो जाता है, लिटमस पेपर नीला, लिटमस पेपर नीला से लाल, मतलब आपको अगर याद रखना है तो आप लाल, लाल हो जाता है, लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाता है, ठीक है। यानी लिटमस पेपर को लाल याद रखना है, लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल याद रखना है, लिटमस पेपर लाल करेगा। एक और टेस्ट होता है मिथाइल ऑरेंज का, कभी कभी इससे भी प्रश्न आपसे पूछता है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक इंडिकेटर है, ऑरेंज रंग का है,
और इसलिए नाम रही रखा गया मिथाइल ऑरेंज। तो इसका इसको अगर एम्ल में डाल दिया जाए या एम्ल में थोड़ा मिलाकर कर देखेंगे तो इसका रंग भी एम्ल का रंग ये लाल कर देगा, यानी लाल वहाँ भी हो जाएगा। तो मिथाइल लिटमस से भी लाल हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज से भी लाल हो जाता है, ठीक है। एक फिनोलोपथेलिन भी इंडिकेटर में आता है, कभी कभी इसका भी पूछ सकता है फिनोलोपथेलिन। तो इसमें रंगहीन रहता है, इसमें कोई रंग पता नहीं चलता, इसमें यहाँ रंगहीन रहता है, इसलिए इसका यहाँ पर रोल नहीं पता चल पाता है, ठीक है। इसमें फिनोलोपथेलिन अगर डालेंगे हम किस में, एसिड में, तो ये रंगहीन रहेगा, इसे कोई कलर पता नहीं चलेगा। तो ये सब कलर पता चलाएगा, ये सबसे जाँच कर सकते हैं। और एक और है, एक को कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब सार्वत्रिक है ना, कहीं भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि इससे सब चीज़ चेक किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक ऐसा कुछ पदार्थ, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलाकर के इसको बनाया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और इसमें ऐसा किया गया कि जैसे जैसे पीएच चेंज होगा वैसे वैसे इसका रंग बदल जाएगा, पीएच बदलेगा तो रंग बदलेगा, ये एक ऐसा इंडिकेटर है ना। तो जैसे आप एम्ल जैसा रहेगा उसमें अलग अलग पावर भी दिखाएगा, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, सबसे अच्छा इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर है। आप खाली इसमें लाल से पता नहीं चलेगा कि कमजोर है कि मजबूत है, इसमें भी लाल हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कमजोर है कि मजबूत है, अम्ल कमजोर है कि मजबूत है, लेकिन इसमें यह बता देगा कि मजबूत है या कमजोर अम्ल है या मजबूत अम्ल है, क्योंकि ये अलग अलग रंग बदलता है। तो जैसे देखिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक सिस्टम है कि वो जो सात रंग होते हैं ना प्रकाश के, वी आई बी जी वाई वो आर, तो उस तरह से है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इसका पीएच मान सात रहेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन से थोड़ा सा अगर ज़्यादा पीएच मान है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो इधर जाएगा इसका रंग, और अगर कम है पीएच मान 7 से कम है तो इधर जाएगा पीएच मान। तो अगर बहुत कम है पीएच, जैसे 0 है, 1 है, 2 है तो लाल हो जाएगा, तो मजबूत अम्ल, यहाँ इधर अम्ल मजबूत होगा, ये लाल, ये मजबूत अम्ल लाल हो जाएगा, मजबूत है अम्ल, मजबूत अम्ल कैसा रहेगा, लाल रंग दिखाएगा। उससे कमज़ोर है तो ऑरेंज यानी थोड़ा सा नारंगी रंग का दिखाएगा, और थोड़ा और कमज़ोर है तो पीला रंग दिखाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो क्या दिखाएगा, हरा रंग दिखाएगा, और यदि उससे थोड़ा अगर क्षारीय है तो ब्लू रंग, उससे थोड़ा जामुनी रंग, और उससे मजबूत क्षार है तो वायलेट बैंगनी रंग, इस तरह से अलग अलग। तो इधर क्षार दिखाता है और इधर अम्ल दिखाता है, तो आप इसको कह सकते हैं ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर मजबूत अम्ल तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन इसमें लाल ही नहीं रह सकता, कौन कौन रंग रह सकता है, ये पीला रह सकता है, येलो ये पीला रह सकता है, नारंगी रह सकता है, पीला नारंगी या लाल, या लाल, ये तीन अगर रंग हैं तो हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो इस तरह से हम अम्ल को पहचाने के लिए ये आप इंडिकेटर उपयोग करते हैं, चाहे तो आप अगर कमज़ोर अम्ल तो स्वाद से भी जान सकते हैं खट्टा है, पीएच मान चेक करके देख सकते हैं, अगर 7 से कम है तब कहेंगे अम्ल है, लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं लाल हो जाता है तो कहेंगे अम्ल है, मिथाइल ऑरेंज से चेक कर सकते हैं, अगर ये रंग लाल कर देता है मिथाइल ऑरेंज, उसका रंग लाल हो जाता है तो समझेंगे कि ये अम्ल है। फिनोलोपथेलिन में रंगहीन हो जाता है, इससे भी अगर कोई रंग है रंगहीन हो गया तो भी हम कह सकते हैं ये अम्ल है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में लाल हो जाता है तो कहेंगे मजबूत अम्ल है, अगर नारंगी है तो थोड़ा कमज़ोर अम्ल है, अगर पीला है तो थोड़ा और कमज़ोर अम्ल है, और अगर इसके बाद इधर का अगर पीला से ज़्यादा कमज़ोर इधर आ गया ग्रीन वगैरह तो कहेंगे अम्ल नहीं है। तो इस तरह से हम अम्ल का पहचान करते हैं। अब आते हैं इसका कुछ और विशेषता को देखते हैं, चलिए विशेषता इसको देखते हैं। तो चलिए हम इसका अम्ल की विशेषता देख लें। अम्ल की विशेषता में विशेषता है, सबसे पहला इसका विशेषता अगर देखा जाए तो अगर अम्ल को पहला हम लोग इसको रासायनिक विशेषता देख लेते हैं कि यदि अम्ल का अभिक्रिया किसी धातु से करा देते हैं, क्रियाशील धातु से, तो धातु अगर कोई है, कौन सा धातु जो रिएक्शन करने वाला है, बहुत उच्च धातु नहीं, उत्कृष्ट धातु नहीं, तो धातु प्लस अम्ल अगर करें तो क्या बना देता है, H2 गैस देगा प्लस लवण देगा, साल्ट देगा, लवण, ठीक है, लवण देगा। जैसे अगर कोई भी धातु ले लीजिए, एग्जांपल जैसे देखिए अगर ZN ले लेते हैं, यहाँ एक HCl ले लेते हैं, ये अम्ल है, एक धातु है, क्या बनेगा, ये ZnCl2 बन गया, ये लवण हो गया, ठीक है, प्लस H2 गैस बन जाएगा, यहाँ पर H2 गैस हो गया,
एच टू गैस हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पर भाई बैलेंस करना है तो हम यहाँ बैलेंस आपको नहीं बता रहे हैं, मतलब नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर अगर इसी तरह से एन ए कर दें, एन ए कर दें और प्लस एच सी एल कर दें तो क्या बनेगा, एन ए सी एल बन जाएगा, लवन हो गया, प्लस एच टू बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए ये इस तरह से अगर आप देखा जाए तो हमारा लवण और लवण का भी निर्माण होता है, हाइड्रोजन का भी निर्माण हो जाता है जब कोई धातु से अभिक्रिया करता है। तो ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि यदि कोई किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है या तनु अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। ये तनु अम्ल होते हैं जनरली, तनु अम्ल अम्ल को हम लोग कहते हैं जब पानी मिला देते हैं तो उसको तनु कहते हैं या डायल्यूट कहते हैं, और जब पानी नहीं मिलाते हैं तो उसको कोंक कहते हैं, सांद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है भाई, तो ये बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम लोग कभी कभी ये पूछता है आपको एक और विशेषता इसका देख लीजिए, कहता है कि धातु का कार्बोनेट प्लस यदि अम्ल रहे तो क्या बनेगा, तो ये बनता है CO2 गैस प्लस जल प्लस लवण, ये देगा। ध्यान रखेगा, मतलब इसमें मेन कली पूछा क्या जाता है, सुबह आपको याद करा देते हैं, कई बार पूछता है कि कार्बोनेट से अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनता है, तो याद रखना है CO2 गैस बनता है, ठीक है। वहाँ भी पूछा जाता है कि धातु से अम्ल का अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस बनता है, तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पूछा जाएगा कि कार्बोनेट से अम्ल का अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस बनता है, तो कहेंगे CO2 गैस। अब यहाँ पर देखिए CO2 कैसे बनेगा, तो देखिए धातु का कार्बोनेट, धातु मतलब कोई धातु ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम एक धातु है, इसका कार्बोनेट ले देते हैं, CO2 एक कार्बोनेट हो गया, तो ये धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल ले लेते हैं, जैसे कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर H2SO4, एक अम्ल बन गया, ठीक है। हमारा क्या बन गया भाई, देखिए यहाँ पर बनेगा C, यहाँ पर बनेगा क्या, आप देखिएगा ये CaSO4 बन गया, ये लवण हो गया, प्लस आप यहाँ देखिए H2 और इसका एक ऑक्सीजन लेकर के H2O बन गया, एक ऑक्सीजन इसका तीन गो है ना यहाँ पर, तो तीन में से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो H2 है यहाँ से और इसका एक ऑक्सीजन लिया H2O बन गया। इसके पास CO3 था, एक ऑक्सीजन निकल गया था, बचा CO2, तो इसलिए यहाँ पर बच गया CO2, ये गैस हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पर CO2 गैस बनता है, जल बनता है और ये लवण बनता है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज था कौन सा गैस बनता है, CO2 गैस बनता है, बस याद रहना चाहिए, ओके। आगे हम लोग देखते हैं और भी इसकी कुछ विशेषता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है यहाँ पर, इसकी भी विशेषता है अम्ल और क्षार जिसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो तीसरा इसकी इसको हम लोग देखेंगे, अम्ल और क्षार को अगर जोड़ा जाए, अभिक्रिया कराया जाए तो बनता है लवण और जल। ये इस अभिक्रिया का नाम है, कौन सा अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण। हम रिएक्शन बताए हैं, रिएक्शन बताए थे, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं बताए हैं, उसमें भी आप इस अभिक्रिया को उदाहरण बताएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उसमें हम ढेर सारे अभिक्रियाओं को बताए हैं, आप देख लीजिएगा, लिंक सब दिया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख ले सकते हैं, केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो चलिए अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ में ये सभी आपको ऐसा ऐसी क्योंकि उदासीन हो जाता है इसलिए इसको कहते हैं उदासीन उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अम्ल को एक ले लीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, चलिए आप साधारण अम्ल है HCl इसको ले लेते हैं, प्लस क्षार ले लेते हैं, कोई भी क्षार ले लीजिए, जैसे सबसे मजबूत क्षार है NaOH ले लेते हैं, और इस क्षार को जहाँ पर OH लिखा रहेगा तो क्षार और HCl है तो अम्ल जानते ही हैं, तो चलिए NaCl बन जाएगा, क्या Na प्लस Cl बन गया, यहाँ पर देखिए Cl अलग हो गया, अब बचा क्या H और OH, तो ये बन गया H2O, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा H2O। ये देखिए ये हो गया लवण, पहला क्या बनता है लवण, दूसरा क्या बनता है जल, दूसरा बन गया जल। तो जब भी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा लवण और जल, कोई भी अम्ल ले लो भाई, और ऐसे आपको करना है तो देखो कोई भी अम्ल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, H2SO4 ले लीजिए, प्लस आप क्या देखना है, जैसे किसी ले लीजिए H2SO4, कोई धातु और ले लेते हैं जैसे CaOH हॉल टू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा CaSO4, बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा CaSO4 और प्लस H2O, प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दो है तो इसलिए यहाँ पर बन जाएगा 2H2O।
ठीक है। चलिए इस तरह से आपका ये बन जाएगा अभिक्रिया, आप समझ में आ गएगा। यानी किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार को लेंगे अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल ही बनेगा। ओके, अब आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा एक रिमाइंड करा देंगे, कभी कभी आपसे पूछता है, जैसे एक नोट कर देते हैं कि अभी हम कहते कि धातु प्लस धातु और धातु के साथ जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो सभी हाइड्रोजन गैस देते थे, क्या देते थे, लवण प्लस H2 गैस देते थे। जैसे हम इसका उदाहरण दिखाए थे, कौन सा, जैसे बोले थे कि ये अगर धातु है ZN प्लस HCl है तो क्या बना था, ZnCl2 प्लस H2। लेकिन इसका एक अपवाद है यहाँ पर, सभी ने यहाँ पर देखेगा HNO3 अपवाद है, जो जो धातु से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं बनाता है, H2 गैस नहीं देता है। ठीक है, जैसे लेकिन फिर भी किसी किसी में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी यह केवल Mg और Mn के साथ लवण और जल बनाता है, लवण और H2 गैस देता है, लवण तथा H2 गैस देता है, केवल दो के साथ H2 गैस देता है, याद रखिएगा ये दो के साथ। जैसे कि अगर HNO3 है और हम यहाँ पर लिखें Mg, तो यहाँ पर ये देगा, यहाँ पर दे देगा MgNO3 होल 2 प्लस H2 गैस। यहाँ पर अगर हम 2HNO3 करें तो यहाँ पर NO3, तो यहाँ पर देखिए Mg के साथ देगा, इसी तरह से Mn के साथ देगा, बाकी इसके साथ यहाँ पर H2 गैस कौन नहीं देता है, HNO3। ये इसका कभी और पूछा गया है, इसलिए हम बताना जरूरी समझे, क्योंकि ये अपवाद ही ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो ऐसा आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल धातु के साथ, सभी धातुओं के साथ H2 गैस नहीं देता है, आपका आंसर होना चाहिए HNO3। क्यों होना चाहिए, क्योंकि HNO3 दो के साथ देता है, Mg और Mn के साथ, Mg और Mn के साथ याद रहना चाहिए, Mg और Mn के साथ ही देता है। अगला चलिए हम, तो इस तरह से हम लोग इसको देखें। अब हम आप कर बात करेंगे कि लवण के प्रकार कितने हैं, ठीक है, तो लवण का प्रकार की बात करते हैं, लवण के प्रकार, हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार का। ओके, तो हम चलते हैं अम्ल का प्रकार जो है, ये हम अभी मेनली जो अम्ल है उसको हम दो बड़े अम्लों में बांटते हैं, पहला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अम्ल, यानी अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल। ओके, तो अम्ल के दो प्रकार हैं, पहला अकार्बनिक अम्ल और दूसरा कार्बनिक अम्ल। ये क्या है, अकार्बनिक तो आप समझ रहे होंगे, यौगिक जिसमें कार्बन वाला अम्ल होगा, कार्बनिक जिसमें बिना कार्बन वाला होगा, जिसको मिनरल एसिड भी कहते हैं, इसका नाम है मिनरल एसिड, इसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड। तो ये देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर समझ जाए आ जाएगा कि जिसके साथ है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका ढेर सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर HCl क्या है, जिसमें कार्बन नहीं है, HCl क्या है, अकार्बनिक एसिड, HCl हो गया, HNO3 क्या है, अकार्बनिक एसिड, H2SO4 क्या है, अकार्बनिक एसिड, आपके पास यहाँ H3BO3, सबका नाम हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये चलिए ये है तो बोरिक एसिड जिसको कहते हैं, बोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह से होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, नाम लिख लीजिए याद रखिएगा, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम है बोरिक अम्ल, और इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल,
इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। चलिए इसके विशेषता के विषय में सब समझ लें कि इसका विशेषता क्या क्या है। तो इसका इसका उपयोग आप लैब में हम लोग करते हैं, जनरली लैब में, प्रयोगशाला में। इसका बर्तन पर नक्काशी करने में, बर्तन जो कांसा पीतल ये सब होता है ना, कांसा पीतल ये सब पर नक्काशी में, नक्काशी करते हैं नक्काशी में। और इसका उपयोग और भी होता है विस्फोटक बनाने में। इसका जैसे NO3 है, NO3 से TNT बना होगा, नाइट्रो ट्राइनाइट्रोटोलिन, तो इसी का उपयोग करते हैं। तो विस्फोटक में भी इसका करते हैं, विस्फोटक में, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही काम का है। इसको तो कहते हैं अब रसायन का राजा, इसका नाम ही रखा गया है रसायन का राजा, रसायन का राजा। याद रखिए रसायन का राजा क्यों, राजा मतलब जहाँ भी आप रसायन का काम करना है ना, वहाँ पर स्पेस सुपर चाहिए आपको। जैसे आपको खाद बनाना है तो खाद में भी लगेगा, उर्वरक जिसको कहते हैं। आपको दवा बनाना है तो वहाँ भी लगेगा, आपको प्लास्टिक बनाना है तो यहाँ भी लगेगा, आपको कागज़ बनाना है तो यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, आपको तेल का रिफाइन करना है, रिफाइनरी, तेल का रिफाइनरी करना है, रिफाइनिंग काम करना है, यहाँ भी लगेगा, आपका चमड़े का उद्योग है वहाँ भी लगेगा। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग लगभग बहुत सारे क्षेत्र में कहता है, इसलिए इसको कहा गया रसायन का राजा, या कभी कभी अम्लों का राजा भी कहता है। अम्ल राज नहीं कहेंगे, अम्लों का राजा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन रसायन का राजा के नाम से ज़्यादा फेमस है ये, अम्लों का राजा भी कह सकते हैं, अम्लों का राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ढेर सारा उपयोग है, ओके। अब H3BO3 इसी आपका जो चेहरे पर जो क्रीम वगैरह आते हैं ना, बोरोलिन वगैरह सुनते होंगे, बोरोलिन पहले बोरो प्लस है ना, तो ये चेहरे पर जो है थोड़ा एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक का जो मलहम वगैरह बनते हैं उसमें बोरिक एसिड रहता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बोरिक एसिड है जिससे आपका जो जीवाणु वगैरह रहते हैं थोड़ा इन्फेक्शन से मर जाते हैं इसके प्रभाव से, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते हैं, ये होता है। फॉस्फोरिक अम्ल है, ये कोको कोला वगैरह में कोला में डाला जाता है ना, कोला में, कोला जो कोल्ड पे वगैरह में डालते हैं, इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है जैसे खराब ना हो, इसलिए ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स में ये तो बहुत फेमस है। कार्बनिक अम्ल किस में डाला जाता है, कार्बनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में ही इसको भी डाला जाता है स्वाद के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स में किस लिए डालते हैं इसको, खट्टा स्वाद के लिए, स्वाद खट्टा करने के लिए, स्वाद खट्टा करता है तो खट्टा बनाना है कि, तो ये अम्ल डालते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग आप देख रहे होंगे, बहुत सारा अम्ल है जिसका सबका उपयोग है। तो ये सब क्या थे हमारे सब अकार्बनिक अम्ल। इसमें सबसे कमजोर अम्ल पूछा जाए तो सबसे कमजोर अम्ल हमारा है H2CO3 है ना। ये कार्बनिक अम्ल देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कार्बनिक अम्ल एक क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। ये कार्बनिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल में नहीं ले जाइएगा, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि कार्बोनेट को पढ़ा जाता है अकार्बनिक यौगिक में, इसलिए कार्बोनेट है तो इसलिए इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको कार्बनिक अम्ल है, ये एक अकार्बनिक अम्ल का नाम है कार्बोनिक, लेकिन सबसे कमजोर अकार्बनिक अम्ल, सबसे कमजोर मिनरल एसिड यही होता है H2CO3, इसलिए इसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में करते हैं ताकि कोई नुकसान नहीं करे, ओके। चलिए ठीक है, अब इसको हम खत्म करते हैं, आते हैं कार्बनिक अम्ल पर। कार्बनिक अम्ल जो है हम लोग ज्यादा उपयोग उसी का करते हैं, क्योंकि अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, मजबूत अम्ल। ये जो कार्बनिक अम्ल होता था, अकार्बनिक अम्ल, ये सब मजबूत अम्ल होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। इसका उपयोग हम लोग किसी चीज़ को जंग को छुड़वाना है, या फिर काई हटवाना है, या फिर कहीं किसी चीज़ को जलाना है, या नहीं देखते हैं आजकल जो तेजाब की घटनाएँ होती है, चेहरा आप जल जाता है इससे, तो ये बड़ा मजबूत अम्ल होता है। तो इस तरह के काफ़ी मजबूत अम्ल है, लेकिन ऐसा स्थिति कार्बनिक अम्ल में नहीं है। कार्बनिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल क्या है, कमजोर अम्ल है। तो कार्बनिक अम्ल में बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो कि हमारे काम आ जाते हैं और दैनिक जीवन में इसका खूब उपयोग है। इसको हम देख लेते हैं, कार्बनिक अम्ल का ढेर सारा उपयोग है। कार्बनिक अम्ल में हमको कुछ बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आप पहला देख लीजिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जिसको दही में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है, हम लोग देख लेते हैं दही में है ना, और खाने में उपयोग होता है, ठीक है, ये तो बढ़िया लगता भी है। ऐसे ही आपके पास साइट्रिक एसिड कहाँ रहता है, खट्टे फलों में, खट्टे फल जितने हैं जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, कभी कभी आपका जैसे बहुत सारे ऐसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया,
ये सब जितने खट्टे फल है उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में इसे सबको खाने में प्रयोग होता है, ये भी खाने में होता है, लेकिन ये और भी पाया जाता है, कभी कभी आपसे पूछा इसलिए मैंने बता दिया और भी जगह पे पाया जाता है, लेकिन ये अब किस अब भोजन की किस में पाया जाता है तो टमाटर पाया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है, ये बड़ा उपयोगी चीज़ है कि कपड़े का दाग हटाता है, जैसे कपड़े पर स्याही के दाग, कपड़े का दाग हटाने में करते हैं इसका उपयोग, चमड़े का विरंजन करने में, चमड़े का चमड़े में विरंजक, विरंजक में विरंजक, विरंजक मतलब रंग उड़ाने में, ठीक है, एसीटोन बनाने में करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे और भी कपड़े के उद्योग में, रंगाई पोताई में, कपड़े का रंगाई रंगाई वगैरह में करते हैं, रंगाई में। चलिए इसी तरह से हमारा पास है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अच्छा एसिटिक अम्ल जो होता है ये सब 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 कार्बनिक अम्ल की बात कर रहे हैं, CH3COOH है इसका, ये बहुत ही एक प्रकार का काम का अम्ल है, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल जो होता है इसको देखा जाए तो क्या है जानते हैं, ये स्पेशली देखिए इसको एक कई बार बोला जाता है कि एथानोइक अम्ल भी कहेंगे, एक दो तो आप इसका एक दूसरा नाम कभी कभी लिख देता है आपको, तो एसिटिक अम्ल के जगह पर ना लिख करके लिख देगा इथानोइक अम्ल ऐसा लिख देगा। ठीक है, तो इथानोइक अम्ल कह दे या एसिटिक अम्ल कह दे, ठीक है, तो इसी को याद रखना है, दोनों का नाम एक ही है। इसका उपयोग हम लोग एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका में करते हैं, सिरका बनाने में, सिरका कितना सिरका में, तो देखिए 5 से 8% पानी में घोल दीजिए अम्ल को, हो गया सिरका, है ना। और उपयोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग एसिटिक अम्ल का उपयोग जनरली खटाई के रूप में, जैसे खटाई में कहाँ करते हैं खटाई में भाई, तो हम लोग चाउमीन बनाते हैं, है ना, चाउमीन वगैरह खाते हैं तो एक बोतल सिरका डालता है, विनेगार जिसको कहते हैं विनेगार कहते हैं, वही सिरका है, विनेगार कहा जाए, है ना, तो विनेगार के रूप में खटाई में करते हैं, साथ में एसीटोन भी बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये मान लिए हम लोग इसका और अचार वगैरह में डाल दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में डाल दिया जाता है, तो ये इसका उपयोग है। और भी अम्ल हैं हम लोग देख लेते हैं इसका, जैसे आप ऐसी भी देखते होंगे कि कुछ सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ अम्ल होता है, जैसे सेब में भी एक अम्ल पाया जाता है, तो पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल है, तो आप ये जानते होंगे सेब में कौन सा अम्ल है, तो मैलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल जो भी हो नंबर मैलिक अम्ल 6-7 होगा, मैलिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है, सेब में खाने के रूप में होता है। इसी तरह से एक होता है बेंजोइक अम्ल, ये सब कौन सा है, हम बता रहे हैं सब कार्बनिक अम्ल के विषय में, बेंजोइक अम्ल बेंजीन से बना हुआ है, बेंजीन में हाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है तो इसको कहेंगे बेंजोइक अम्ल, जैसे इस तरह से है COH इस तरह का अम्ल है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक अम्ल। तो चलिए आपको खाली नाम से पूछा जाता है इसलिए हम अभी यहाँ नाम ज़्यादा ध्यान रखिए। बेंजोइक अम्ल जो है ये घास वगैरह में पाया जाता है, इसका घास से होता है प्राप्त, और इसका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ का संरक्षण में, खाने पीने वाले पदार्थ का संरक्षण करते हैं इसे, खाद्य पदार्थ का संरक्षण में। और इसका अगला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये फॉर्मिक अम्ल का और एक और नाम है, इसको कहेंगे मिथानोइक अम्ल भी कह सकता है, मिथानोइक अम्ल। तो मिथानोइक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, इसका उपयोग ये कहाँ पाया था, डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बर्रे के डंक में, किसी के डंक में, डंक में इसी में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, चिट्टी में पाया जाता है, चिट्टी में ये सब में रहेगा। और उपयोग करते हैं क्या, फलों के संरक्षण में, फलों के संरक्षण में, फल का रक्षण करना है तो इसका उपयोग करते हैं। और किस में करते हैं इसको, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक कोई दवा बनाना हो तो जीवाणुनाशक में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, जीवाणुनाशक में, जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग हम लोग करते हैं, बहुत सारा आसानी से डंक में मिलता है, चिट्टी से मिलता है, फलों के संरक्षण के रूप में करते हैं, जीवाणु के नाशक, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं इसका उपयोग फॉर्मिक अम्ल का। चलिए इसको हम समझते हैं, ये और भी ऐसे बहुत सारा है कि जो कि आप हम लोग उपयोग करते हैं, वैसे आप कार्बनिक अम्ल सबसे ज़्यादा खाते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या है, कमज़ोर अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा।
टार्ट्रिक अम्ल भी होता है, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है, इमली में, ठीक है, इमली में, है ना। इस तरह से आपका ढेर सारा आपका लैक्टिक अम्ल भी होता है, किंतु हम देख ही लिए लैक्टिक अम्ल के विषय में। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा अम्ल है जिसको हम लोग माने कुछ को बांटते हैं कार्बनिक में, कुछ को बांटते हैं अकार्बनिक में। अब हम आपको बताएंगे ये अम्लराज के विषय में, एक थोड़ा सा जानते हैं अम्लराज। अम्लराज या इसको कहते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया ये भी एक अम्ल है। और इसमें क्या होता है, ध्यान रखने का, इसमें सांद्र HCl का तीन भाग प्लस सांद्र HNO3 का एक भाग, HNO3 का एक भाग को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अम्लराज। अम्लराज के बराबर होता है सांद्र HCl का तीन भाग और सांद्र HNO3। सांद्र मतलब यहाँ गाढ़ा, पानी नहीं मिलाना है, उसे कहते हैं सांद्र। पानी मिला दिए तो तनु हो गए, ठीक है। तो सांद्र HCl का तीन भाग और सांद्र HNO3 का एक भाग मिला देना। आने पूछता है HCl अनुपात HNO3 तो कितना होना चाहिए, बराबर 3:1 होना चाहिए, इसी कहा जाता है अम्लराज। अम्लराज में सब चीज़ घुल जाता है, सोना भी, सोना, प्लेटिनम, है ना, टंगस्टन, सब घुल जाते हैं, इसीलिए इसको अम्लराज हो गया। कह रहे कोई भी चीज़ जब किसी में ना घुले ना तो अम्लराज में घोल दीजिए। हम लोग तो HCl से ही घुल जाएंगे, ये जो सोना वगैरह नहीं घुलता उससे ये भी घुल जाता है, माने सारी चीज़ घुल जाते हैं, ठीक है। तो अपने को नहीं घोलिएगा, बसरते बड़े चीज़ों को खोलना हो, सोना चांदी को तो। हाँ भाई साहब पूछा था कि भाई अम्लराज में क्या इसको घोलेंगे, क्या क्या कहते हैं डायमंड को, हीरा को, तो क्या उस वो भी घुलेगा क्या, तो नहीं भैया, हीरा ही अम्ल में नहीं घुलता है, ठीक है, हीरा के लिए नहीं कहेंगे, ओके। तो हमको लगता है कि आप इस अम्ल के बहुत सारा उपयोग देख लिए हैं। अब हम अम्ल के प्रकार में एक प्रकार देखें, एक अम्ल का एक और प्रकार होता है, कुछ अम्ल को कहते हैं हाइड्रा अम्ल, दूसरा प्रकार देखते हैं, एक हाइड्रा अम्ल होता है, हाइड्रा अम्ल तो कुछ नहीं जिसमें केवल हाइड्रोजन हो, जिसमें केवल हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाँ जैसे इसमें, जैसे एग्जांपल, जैसे HI, HBr, HCl, HF, ये सब जो है ETC, ये सब क्या हो गए, हाइड्रा अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। और एक होता है ऑक्सी अम्ल, एक दूसरा होता है ऑक्सी अम्ल, ये सब अम्ल हो गया हाइड्रा अम्ल। और एक ऑक्सी अम्ल होता है कि जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, ऑक्सी अम्ल। कभी कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछता है, इसलिए आप जान लीजिए, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड में मतलब नाम ही ऑक्सी है, इसमें इसमें क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों हो, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होता है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होता है। एग्जाम्पल जैसे इसमें ढेर सारा है, जैसे HNO3, H2SO4, HNO2, ठीक है, इस तरह से H3PO4, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए सब हमारे ऑक्सी अम्ल, ठीक है, ऑक्सी अम्ल के विशेषता हो गया। तो कभी कभी हाइड्रो अम्ल, और अब होगा कि भाई मजबूत अम्ल कौन होगा, कमजोर अम्ल कौन होगा, तो याद रखेगा जितने ऑर्गेनिक अम्ल हैं कमजोर अम्ल हैं, जितने इनऑर्गेनिक अम्ल हैं सब मजबूत अम्ल हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक अम्ल कमजोर होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक अम्ल मजबूत होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अकार्बनिक अम्ल में सबसे कमजोर कौन होता है, तो कहेंगे कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक H2CO3 सबसे कमजोर होता है, ठीक है। ये अम्ल के विषय में आप इतना समझ गए। अब इसमें कुछ अम्ल की परिभाषा भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है परिभाषा। तो एक ध्यान रखिएगा, तीन परिभाषा है, तीन परिभाषा है अम्ल का, तीन परिभाषा है। एक होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी समझा देते हैं आपको। ये पहला परिभाषा है आर्हेनियस अम्ल, आर्हेनियस, आर्हेनियस साहब ने देखा कि जितने अम्ल हैं उसको अगर हम घोलते हैं पानी में तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा कई बार पूछा जाता है कि अम्ल में ऐसा कौन चीज़ है जो सब में रहता है, कौन ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में रहता ही रहता है, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा चीज़ है जो सभी अम्ल में रहेगा, सभी अम्ल में हाइड्रोजन सभी अम्ल में रहता ही रहता है, ठीक है। अभी आप देख लेंगे जितना अम्ल देखेंगे उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, ओके। चलिए अब हाइड्रोजन सब में है तो सब अम्ल नहीं हो जाएंगे, लेकिन जितने अम्ल है उसमें हाइड्रोजन जरूर रहेंगे। अब जैसे CH4 में हाइड्रोजन है तो क्या अम्ल हो गया क्या, नहीं, ये अम्ल नहीं है,
लेकिन अगर जैसे कोई अम्ल की बात करें जैसे एच एन ओ थ्री अम्ल है तो इसमें एच रहेगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे हम कहें कि एच टू ओ एक जल है तो अम्ल हो गया क्या? नहीं भाई, ये अम्ल नहीं है, लेकिन सारे हाइड्रोजन मरे नहीं, लेकिन अगर एच टू ओ फोर है तो अम्ल है। तो ये अम्ल में सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन सभी हाइड्रोजन वाले अम्ल नहीं होंगे। ओके, तो अब जैसे एन ए ओ एच में भी अम्ल है, एच है, तो क्या वो भी अम्ल हो जाएगा? तो वो क्षार है। तो ऐसा नहीं है कि जितना हाइड्रोजन वाला है सबको अम्ल कर देंगे, वैसी बात नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर आर्हेनियस साहब की बात हम कर रहे थे कि आर्हेनियस ने कहा था, आर्हेनियस के अनुसार कि अम्ल जल में घुलता है, जल में घुल करके क्या देता है? जल में घुल कर एच प्लस देता है, एच प्लस देता है, बस इसका ये कहना था, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, उसको अम्ल कहेंगे। ये इनका परिभाषा था, है ना। अब उसके बाद दूसरा आया था एक परिभाषा, लॉरी साहब ने कहा था, लॉरी और ब्रोंस्टेड, लॉरी एंड ब्रोंस्टेड कहते हैं। तो इन्होंने एक सिंपल परिभाषा ये इन्होंने भी दिया, H प्लस ना करके कहा कि जो प्रोटॉन देता है, तो ये कहता है वह यौगिक जो जो प्रोटॉन प्रदान करता है, जो प्रोटॉन प्रदान करता है, माने H प्लस आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, तो इसमें बचा क्या? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रदान करता है, तो हम जल में घुलने की बात ही नहीं कर रहा, कह रहा है जो भी प्रोटॉन प्रदान करता है उसको हम कहेंगे अम्ल, ठीक है। और एक रह गया हमारे लुईस साहब, तो लुईस अम्ल कहते हैं उसको, उन्होंने कहा कि वह यौगिक जो जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, को ग्रहण मैंने लेता है, सब देने की बात करता है, ये लेने की बात करता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, रखता है। तो ये आप देखेंगे कि लुईस अम्ल वह यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसमें भूखा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा, चूंकि उसमें देखिएगा अब एच प्लस रहेगा तो एच प्लस क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो जो एच प्लस बना रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और क्लीन हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा। तो इस तरह से आपका तीन परिभाषा भी है आपका, आर्हेनियस, लॉरी, ब्रोंस्टेड, पूछा भी जाता है कभी कभी, तो जो एच प्लस देगा उसको हम क्या कहेंगे, तो आर्हेनियस अम्ल कहेंगे, एच प्लस देगा तो अगर प्रोटॉन की बात करके प्रोटॉन प्रदान करता, तो प्रोटॉन प्रदान करता है उस यौगिक को कौन सा अम्ल कहेंगे, तो लॉरी और ब्रोंस्टेड अम्ल कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करता है तो उसको कौन सा अम्ल कहेंगे, तो लुईस अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपका ये अम्ल से संबंधित सारे बिंदु को हमने चर्चा किया, बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे, अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आज यहाँ सिर्फ अम्ल बता करके छोड़ रहे हैं। अगले लेक्चर में आपको हम बेस और बेस एंड साल्ट को बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, आपको ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे लेक्चर से।